फार्मेसी अमेंडमेंट बिल में दो सम्माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। विषय ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिले। जम्मू कश्मीर से जब से धारा 370 हटी है तब से वहाँ विकास की गति बढ़ी है। पहले युवा अपने हाथ में पत्थर लेते थे, अभी युवाओं के हाथ में रोजगारी है, युवाओं के हाथ में टैबलेट है, युवाओं के हाथ में कंप्यूटर है। वहाँ युवाओं को आज टूरिज्म की दृष्टि से जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पिछले सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है, नहीं केवल अमरनाथ यात्रा के लिए लेकिन टूरिज्म पर्पज से फिर से एक बार हिंदुस्तान का और विश्व का स्वर्ग माना जाता जम्मू एंड कश्मीर आज खिलने लगा है। वहाँ पर रोजगार की अनेक अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है। एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कितने सालों तक जम्मू और कश्मीर को बंद रखा गया, जम्मू और कश्मीर को अपनी निजी राजनीति चलाने के लिए कई राजकीय फैमिली ने उसमें राज करने हेतु उसको देश के जो विकास की गति है उसके साथ उसको जोड़ने नहीं दिया। उसका नतीजा ये निकला है जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी तब से आपने देखा होगा वहाँ के किसान एप्पल पैदा करते हैं तो भारत सरकार एप्पल खरीद लेती है और उसको सही दाम मिलता है। वहाँ के युवा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सारे देश में जाते हैं। इतना ही नहीं, आज जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होने लगा है। आज FDI, पहले FDI जम्मू कश्मीर में आए ऐसी बात नहीं होती थी। आज फॉरेन कंपनी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, जम्मू कश्मीर में वहाँ के यूथ को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने लगा है, जम्मू कश्मीर में हाईवे बनने लगा है, रेल नेटवर्क आगे बढ़ रहा है। पहले एक ऐसी स्थिति थी वहाँ टेररिज्म होने से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गति से नहीं चलता था, बाधाएं हुआ करती थी, लोगों में डर था, नहीं केवल बाहर के लोग वहाँ जाके काम करे उसको ही डर लगता था लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बाहर निकल के काम करने के लिए भी डर लगता था। लेकिन मोदी जी ने जब से धारा 370 हटाई है तब से वहाँ आमूलचूल परिवर्तन हम देख रहे हैं। मैं तो एक एज ए हेल्थ मिनिस्टर वहाँ देख रहा हूँ जिस तरह से वहाँ स्थिति थी, वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के लिए दूर सुदूर जाना पड़ता था। जम्मू कश्मीर में खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की वहाँ की जनता की आदत थी, लेकिन हॉस्पिटल नजदीक नहीं थी, हॉस्पिटल दूर थी, कई दूर उसको जाना पड़ता था, उसमें भी कठिनाई थी। उसको टर्शरी केयर के लिए जाना हो वहाँ कर्फ्यू लगी हुई हो, लोग जा नहीं सकते थे और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही थी। लेकिन जब से धारा 370 हटी है और भारत के सारे कानून वहाँ लागू हो गए हैं, सारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर यूटी में कार्यरत हो गए हैं। आज मैं केवल जम्मू कश्मीर के बारे में कहूं तो थोड़े दिन पहले मुझे एक समाचार दिया गया, पुलवामा में आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला ऑपरेशन किया गया। वहां कोई हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता था आयुष्मान भारत योजना के पहले, वहां सुविधा ही नहीं थी। आज आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन दूर सुदूर डिस्ट्रिक्ट में होने लगा। वहां आयुष्मान भारत कार्ड सैचुरेशन मोड में आगे बढ़ रहा है, हर लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा है और वहां के यूटी के द्वारा, वहां यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा बहुत अच्छी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। आज वहां के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन हो रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। दूर सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में बसने वाले मेरे जम्मू कश्मीर के भाइयों को उसको आज डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर और कश्मीर जम्मू में या तो श्रीनगर में जाने के लिए भी बाद में आवश्यकता होती है जब उसका डायग्नोसिस वहां ही हो जाए। जम्मू कश्मीर में टेली कंसल्टेशन के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक के रूप में तैयार किया गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और हमारी दो एम्स, एक जम्मू में एम्स बन रही है, एक कश्मीर में श्रीनगर में एम्स बन रही है, दो एम्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको हब और स्पोक के रूप में तैयार किया गया है। हब और स्पोक के द्वारा टेली कंसल्टेशन का क्या नतीजा निकला, माननीय स्पीकर साहब, आज मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक गांव से गरीब व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे इस टाइप का दर्द है, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऊपर डॉक्टर होता है या तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है। जब वो अपनी बात रखते हैं लेकिन
ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ऐसा लगे कि उसको तो टर्शरी केयर की आवश्यकता है और दो और डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जाने डायग्नोसिस के लिए जाने की आवश्यकता है, या तो उसको जम्मू भेजना पड़ेगा या तो उसको श्रीनगर भेजना पड़ेगा, लेकिन उसका गांव एक खेत एक किसानी करने वाला मजदूर खेत में काम करने वाला किसान ये वहां से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पहाड़ी में अपने गांव में रहते हैं, वहां से 5-10 किलोमीटर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तो ये पहुंच गए, लेकिन जब उसके यहाँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहते हैं कि आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा, उसके जेब में पैसा नहीं होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, उसके पास सुविधा नहीं होती है, और दूर जाने के लिए उसके पास एक दिन दो दिन की मजदूरी भी छोड़नी पड़ती है। एक मजदूरी करने वाला मजदूर सीएससी तो पहुंच गया, वहां के डॉक्टर साहब ने उसको अवंतीपुर जाने के लिए बोल दिया, उसके पास व्यवस्था नहीं होने के कारण वो टर्शरी केयर से वंचित रह जाते थे, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्पोक के रूप में टेलीकंसल्टेशन से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। और मैं आप एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, हमारी एम्स दिल्ली एम्स से एक कैंसर का नया यूनिट जज्जर में बना है। एक बार मैं जज्जर जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देखा, तो मैंने राव साहब उसको पूछा नहीं था, मैंने गाड़ी रोकी और मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में चला गया। उसको पता नहीं था कि मिनिस्टर आके मेरे पास बैठ गया है। मैं वहां एक पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही थी, मैं बगल में जाके बैठा और वहां हमारे डॉक्टर पीजीआई चंडीगढ़ के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ ये हमारे गरीब पेशेंट का टेलीकंसल्टेशन करवा रहे थे, बात करते थे डॉक्टर टू डॉक्टर, और डॉक्टर टू डॉक्टर बात करके उन्होंने कहा कि पेशेंट से मुझे बात कराइए, तो उन्होंने थोड़ा कंप्यूटर ऐसा डाइवर्ट किया तो पेशेंट उसको देखने लगा, तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने ये पेशेंट से दो तीन क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टर को कहा कि आप उसको टाइप की मेडिसिन लिख दो, एक सप्ताह के बाद बता देना। तो मैंने पूछा कि भाई आप कहां से आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ड्रेनेज का काम चल रहा है, मैं दूसरे स्टेट से हूँ, यहाँ लेबर के रूप में काम कर रहा हूँ, मुझे बुखार आई तो मैं यहाँ आ गया। मैंने कहा आपको पता है कि आपने एक बहुत बड़े सर्जन के साथ बातचीत कर ली, और जो ये फैसिलिटी वहां नहीं होती तो डॉक्टर साहब उसको बोल देते जाओ दिल्ली एम्स में या तो जाओ दिल्ली में, तो वहां से वो दिल्ली आते, उसके पास जेब में पैसा नहीं होगा, गरीब व्यक्ति उसके फैमिली के मेंबर को साथ में लेके आते तो उसकी भी मजदूरी गई। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के द्वारा टेली कंसल्टेशन से डेली 3-4 लाख लोगों की को एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है, उसका उपचार सुनिश्चित किया जाता है। ये सुविधा आज मेरे जम्मू कश्मीर में दूर सुदूर बैठे हुए किसान परिवार को भी हो रही है, मजदूरों को भी हो रही है, मेरे युवाओं को भी अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है। वहां से युवाओं आज यूपीएससी की एग्जाम पास करके हमारे देश के कई राज्यों में अपनी सेवा दे रहे हैं, वहां के युवाओं आगे पढ़ने के लिए आगे जा रहे हैं। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर बदल रहा है, जम्मू और कश्मीर में नया जम्मू और कश्मीर का ऑर्डर आज हम देख रहे हैं। बदलती परिस्थिति में जम्मू और कश्मीर और आगे बढ़े, ये बिल अमेंडमेंट लाने का उद्देश्य यही था कि मेरे जम्मू और कश्मीर के कोई युवाओं को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी अपॉर्चुनिटी पर कोई असर हो रही है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप छूट गए हैं, एक साल हम देते हैं आपको, एक साल में आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाइए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको भी नहीं लगना चाहिए कि मेरी अपॉर्चुनिटी से वंचित रह गया, आइए आपको भी अब फायदा मिलेगा। मेरे सम्मानीय सदस्य मिथुन रेड्डी जी अपनी बात बताते हुए उन्होंने चिंता यहां दायित कि संजीव कुमार जी मिथुन रेड्डी जी नहीं, मिथुन रेड्डी चेयर पे, हमारे संजीव जी बोल रहे थे, उन्होंने अच्छी चिंता जताई कि भाई देश में हम एपीआई मीन्स रॉ मटेरियल, आज हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है,
फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड मीन्स हम मेडिसिन बनाने वाले दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। आज दुनिया जो 5 टेबलेट खाती है, सारी दुनिया 5 टेबलेट खाती है, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। ये हमारी क्षमता है। लेकिन ये मेडिसिन बनाने के लिए, फॉर्मुलेशन बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, ये रॉ मटेरियल हमें दुनिया से लाना पड़ता है। ये रॉ मटेरियल पर हम आत्मनिर्भर कैसे बने? एक ग्लोबलाइजेशन के समय में हम कुछ इम्पोर्ट ना करें और हम सब कुछ एक्सपोर्ट ही करें, ऐसा नहीं होगा। हमें इम्पोर्ट भी करना होगा, हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी को एनकेस करना होगा। लेकिन स्पीकर साहब, उसमें कई चीज ऐसी होती है जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट मोदी जी ने तय किया। व्हाट इज डिफिनेशन अबाउट आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत मतलब हम कुछ भी इम्पोर्ट ना करें और सारा एक्सपोर्ट करें, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत मीन्स देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हम किसी के पर डिपेंडेंट नहीं, हमारी डिपेंडेंसी किसी के पर नहीं होनी चाहिए। और आज हम एपीआई पर ऐसे, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शासन संभाला तब से देश में एपीआई सेक्टर में, 7 साल मेरा भी फार्मा मिनिस्टर रहते हुए हुआ, मैं पहले एमओएस रहा, बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बना, मैंने देखा है एक ऐसा समय था देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट यानी कि 52 एपीआई ऐसा था, एक कंट्री बंद कर दे कि इंडिया को नहीं देना है तो इंडिया की जीवन जरूरी सारी मेडिसिन के लिए हमारी जरूरियात भी पूरा करने में दिक्कत हो जाएगी। एक्सपोर्ट की तो बार की बात है, क्योंकि एक ही कंट्री बल्क में बनाए, सारी दुनिया को सप्लाई करता हो, सबसे बड़ा खरीदनार हम हो और हमारे देश में ये एपीआई ना बनता हो और दुनिया से लाहौर हो देना बंद कर दे तो हमारी हेल्थ सेक्टर पर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा, हमारा फार्मा इंडस्ट्रीज पर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि कोई भी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हमें किसी के पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। क्या करना होगा? हमने ऐसे 52 एपीआई आइडेंटिफाई किया देश में, उसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्यों देश में नहीं बनता है। ये देश में स्पीकर सर, ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, कभी कमी नहीं है। ये सामर्थ्यवान देश है, ये देश को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये देश के युवाओं को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को आप अपॉर्चुनिटी दे दो, वो सारा कुछ यहां पैदा कर देंगे। उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये पीएलआई स्कीम है। हम पहले एपीआई इंपोर्ट करते थे, पहले मोबाइल दुनिया से यहां आते थे, एलईडी दुनिया से इंडिया में इंपोर्ट होती थी, कई ऐसे इक्विपमेंट थे, कई ऐसे एपीआई थे, हमें दुनिया पर डिपेंडेंट थे। मोदी जी ने तय किया 14 सेक्टर में, 14 प्रकार के सेक्टर में मोदी जी ने पीएलआई स्कीम लाया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। व्हाट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से एपीआई ऐसे है जो हमें बाहर से लाना पड़ता है, उसके बीच में हम यहां मैन्युफैक्चरिंग करें तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा उसके लिए कंसल्टेशन बहुत आवश्यक होता है। स्पीकर साहब, हमारी सरकार पॉलिसी केवल ऑफिस में बैठ के नहीं बनाती है, हमारी सरकार कंसल्टेशन करती है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हमारी प्रायोरिटी होती है। हमने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया, इंडस्ट्रीज को बुलाई, हमने कहा कि ये 52 एपीआई आप बना पाएंगे? उन्होंने कहा हम बना पाएंगे, लेकिन उसमें कई एपीआई ऐसा है जिसमें हम इंडिया में 20% सस्ता मिलता है। हमने कहा कि 20% हम इंसेंटिव के रूप में आपको दे दे तो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा हम बनाएंगे। कई ने कहा कि 10% दुनिया में हमसे सस्ता मिलता है, जिस कंट्री से हम ला रहे हैं हमसे 10% सस्ता मिल रहा है तो यहां से कोई खरीदनार नहीं है, वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने उसमें 10% इंसेंटिव दिया। हमने कहा कि ये देश में ही बने, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि उसके लिए एक इकोसिस्टम बनानी होगी, इकोसिस्टम बनाने के लिए बल्क ड्रग पार्क बनाना होगा, बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपया एक बल्क पार्क। ऐसा 3 बल्क पार्क, बल्क ड्रग पार्क देश में बनाने के लिए हमने चालू कर दिया। PLI 1 15,000 करोड़ रुपया, PLI 2 15,000 करोड़ रुपया। हमने कहा कि नहीं, केवल हमें आत्मनिर्भर नहीं होना है, हमें आत्मनिर्भर होके जैसा दुनिया इंडिया में बिजनेस करती थी, सस्ता बना के इंडिया में माल इंडिया में भेजती थी, हमें सस्ता बना के सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करना है। हमें देश में एपीआई बनाने के लिए PLI 1 लाया, उसमें 52 एपीआई के लिए हमने सपोर्ट किया, पीएलआई स्कीम लाया। बाद में हमने तय किया कि हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल बनाने के लिए दुनिया में हमें हमारा माल भेजना है और स्ट्रांगली दुनिया की कंपटीशन में हमें टिकना है, उसके लिए 15,000 करोड़ की दूसरी पीएलआई 2 इंसेंटिव स्कीम लाया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 38 प्रकार की एपीआई
कई प्रोडक्शन में आ गए, कई प्रोडक्शन में आने की लाइन में है, एक साल में डेढ़ साल में प्रोडक्शन में आ जाएंगे। हम कोई क्रिटिकल एपीआई के लिए दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये मोदी गवर्नमेंट है, देश की सिक्योरिटी, ड्रग सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता है। दूसरा, आपने चिंता जताई कि हमारी गुणवत्ता के बारे में क्या। दोस्तों, मैं आपको सदन के द्वारा एश्योर करना चाहता हूं, स्पीकर सर, देश में क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग हो, देश में सस्ती अफोर्डेबल भी मेडिसिन मिले और देश में क्वालिटी भी मेडिसिन मिलनी चाहिए। देश में सस्ती, हमने बहुत दुनिया से ब्रांडेड मेडिसिन इंडिया में ला के खिलाई और बहुत हमने खाई, और हम ऐसा मानते थे कि ब्रांडेड मेडिसिन ही क्वालिटी मेडिसिन होती है। जी नहीं, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ब्रांडेड मेडिसिन एंड जेनरिक मेडिसिन? दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम ब्रांडेड ही लिखते गए और देश में दुनिया हमारी जेनरिक मेडिसिन खाती है। सारी दुनिया इंडिया से इंपोर्ट करके जेनरिक में, व्हाट इज जेनरिक मेडिसिन? पैरासिटामोल 500 mg, पैरासिटामोल 500 mg, पैरासिटामोल इज ए ड्रग्स नेम, सॉल्ट नेम, और 500 mg उसकी क्षमता, तो 500 mg की पैरासिटामोल टेबलेट, और कोई कंपनी ने उसका नाम रख दिया कालपोल 500 mg, तो ब्रांडेड हो गई, और पैरासिटामोल सीधा लिख दिया तो जेनरिक हो गई। जेनरिक और ब्रांडेड में कोई डिफरेंट नहीं, लेकिन जब कालपोल लिखा जाता है तब उसकी एमआरपी हो जाती है 20 रुपीज, और आप जब सॉल्ट नेम से लेने जाएंगे, जेनरिक लेने जाएंगे, तो 3 रुपया 4 रुपया। तो क्या हम महंगी दवाई खिलाए, उसके प्रति जेनरिक मेडिसिन के प्रति ट्रस्ट बढ़े? उसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने काम किया और आज 9500 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। और आज जन औषधि केंद्र को सारे देश में लोग कहते हैं मोदी की दुकान, लोग कहते हैं मोदी की दवाई की दुकान। एक बार जन औषधि केंद्र के पर जाके खड़ा रह के देखेंगे। मैं थोड़े दिन पहले कलकत्ता गया था, और कलकत्ता में एक गली में, एक खुची गली में जन औषधि केंद्र था, तो मैंने कहा चलो भाई मुझे वहां लेके चलो। मैं वहां गया, मैंने उसको बताया नहीं था कि एज ए मिनिस्टर के रूप में मैं आपका जन औषधि केंद्र पर अपॉइंटमेंट के लिए देखने के लिए आ रहा हूं। मैं वैसे ही चला गया। मैं वहां गया, एक ऑटो वाला वहां से जेनरिक मेडिसिन खरीद के वो पैसा दे रहे थे, मैं उसके पीछे खड़ा रह गया। मैंने कहा नमस्ते जी, आप यहाँ क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि ये मोदी जी ने सस्ती दवाई की दुकान खोली है, तो सस्ती दवाई लेने के लिए आए हो। मैंने कहा आपने किसने बताया? तो उन्होंने अपनी कथा बताते हुए कहा कि मैं रिक्शा चलाता हूं, मेरे परिवार में 3 लोगों को डेली मेडिसिन लेनी पड़ रही है, मेरी सारी कमाई, मैं प्रति महीने 10-12 हजार रुपया कमा रहा हूं, उसमें से मेरी 2-3 लोग मेरे परिवार में डायबिटिक पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, 2-3 टाइप की मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो उसमें से 3-3.5 हजार रुपया चला जाता है। किसी ने मुझे बताया कि मोदी जी ने सस्ती दवाई की दुकान खोली है, तो मैं यहां आने लगा और मेरा यहां 3-3.5 हजार जगह की वजह से मेरे यहां खर्च होता है 300-400 रुपीज। उसको 3 हजार रुपीज का खर्च होता था, यहां 300-400 रुपीज में उसको सस्ती मेडिसिन मिल जाती है। लेकिन उन्होंने मुझे दूसरी बात कही, उन्होंने मुझे कहा कि कोई मेरी ऑटो में बैठते हैं और हॉस्पिटल गए हैं या तो हॉस्पिटल जाते हैं, तो मैं उसको कहता हूं कि मोदी जी की दवाई की दुकान पर जाइए, वहां सस्ती मेडिसिन मिलती है। दोस्तों, लोगों को सस्ती दवाई मिले, क्वालिटी दवाई मिले। देश में 10,000 फार्मा इंडस्ट्रीज है, उसमें से 8,000 जितनी फार्मा इंडस्ट्रीज एमएसएमई है। देश में क्वालिटी के साथ कोई बार्गेनिंग ना हो, उसके लिए व्यापक तौर पर हमने शेड्यूल एम का इम्प्लीमेंटेशन के लिए फोर्स किया है, अमल करने के लिए हमने गतिविधि चालू कर दी है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी कैसे एश्योर की जाए। दूसरा, एक स्क्वाड बनाई है और ऐसी गलत पुरियास या तो फेक मेडिसिन बनाने वाले आप हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। यहां एक फैक्ट्री पर स्क्वाड गई और उसको पकड़ लिया। जो लोग फेक मेडिसिन बना के, पुरियस मेडिसिन बना के मेरे देश के लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसको मोदी गवर्नमेंट नहीं बख्शेगी, उसके सामने एक्शन लिया जाएगा। और आप हर दिन ऐसा कोई ना कोई एक्शन देखते होंगे। जो अच्छा करेंगे उसको हम हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो अच्छा नहीं करेंगे और देश की हेल्थ को नुकसान करने की कोशिश करेंगे, उसके सामने एक्शन होता है। देश में अफोर्डेबल हेल्थ केयर कैसे उपलब्ध हो, केवल मैंने एक बात बताया आपको, जन औषधि केंद्र,
आप बड़ी अस्पताल में जाइए, वहां फार्मेसी सेंटर चला हुआ है, वहां अमृत सेंटर चला हुआ है, तो अमृत पर भी सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन मिलती है। लोगों में ऐसा था ना कि सरकार की मेडिसिन या तो सरकार से मिलने वाली मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, इतिहास को समझना और परिस्थिति को बदलना यह मोदी गवर्नमेंट की कार्यनीति रीति रही है। आज देश मानता है कि सरकारी फार्मेसी से मिलने वाली मेडिसिन अच्छी होती है। दूसरा, लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिले। आज आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थियों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो गई। दोस्तों, मैं माननीय सभी सांसद महोदय को ये बताना चाहता हूं कि आपके लोकसभा क्षेत्र में कई सरकारी हॉस्पिटल में, कई प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। कई स्टेट में थोड़ी गति धीमी थी कई परिस्थिति के अनुसार। मैं थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में भी एक विजिट करके आया हूं, मैं और को एक दो यूपी में भी जाके आया हूं। जहां आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की गति कम थी, वहां भी अभी तेजी से आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। अपने अपने लोकसभा सीट में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन के लिए एनपैनलमेंट हॉस्पिटल है, वहां केयोस्क लगा हुआ है। वहां आपको कोई भी पेशेंट हो, आपके पास कोई पेशेंट आए तो पहले उसको भेज देना, उसके पास कार्ड हो ना हो ये बाद में पूछना, आप पहले आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी हुई अस्पताल में जाओ, वहां एक केयोस्क लगा हुआ है। एक केयोस्क में जाके कहेंगे कि भाई मैं एक्स वाई जेड व्यक्ति हूं, आप देखिए मैं आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी हूं, वो कंप्यूटर में जाके तुरंत ही देख लेंगे, वेबसाइट पे जाके देख लेंगे, आप आपके कार्यालय पर भी देख सकते हो। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है तो तुरंत ही उसको कार्ड बना के वहां दे देंगे 5 लाख की गारंटी। 5 लाख तक का कोई इलाज कराना है, ट्रीटमेंट करानी है, ऑपरेशन कराना है तो वहां हो रहा है। माननीय स्पीकर साहब, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 5 करोड़ से अधिक लोगों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेके अपने यहां ऑपरेशन कराए। और मुझे इसलिए, मैं प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करना इसलिए चाहूंगा, स्पीकर सर, बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती, ये गरीब के यहां भी आती है, वो अमीर के यहां भी आती है। और कोई अमीर व्यक्ति होता है, उसके जेब में पैसा होता है, वो प्राइवेट अच्छी बड़ी अस्पताल में चले जाते हैं, जाना चाहिए, उसमें मेरा कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि कोई गरीब परिवार के यहां बीमारी आ गई और 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया का खर्च होगा, ऑपरेशन कराना है, तो जिस हॉस्पिटल में एक अमीर परिवार के सदस्य का इलाज होता हो, वो ही अस्पताल में एक गरीब परिवार के व्यक्ति का भी इलाज होता हुआ देख के संतोष होता है। जो मोदी जी ने करके दिखाया है वो आज विश्व के लिए एक मिसाल के रूप में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ये अमेंडमेंट के लिए मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया। जिस तरह से मेरे जम्मू कश्मीर के युवाओं के अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं फार्मेसी एक्ट में 32C को अमेंड करने के लिए इस सभागृह के सामने बिल मैंने रखा था, सब लोगों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया। मैंने मेरी ओर से जो बात रखनी थी वो भी रखी। मैं चाहता हूं कि कोई विषय ऐसा नहीं है कि जिसमें किंतु परंतु हो, सब लोग उसको यूनानिमसली पास करें, ये अपेक्षा है। धन्यवाद। थैंक यू।